नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज फिर वही पैंथर की खबर। आजकल गोगुंदा क्षेत्र से कोई और क्राइम की खबर नहीं आ रही है, खबर यहाँ से एक ही है, पैंथर की। आज सुबह 6 बजे फिर एक सूचना मिली पैंथर के द्वारा हमले किए जाने की। किसी ने पैंथर को नहीं देखा, सब आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि हमला पैंथर ने ही किया है। इस बार जो ये हमला हुआ है, ये गोगुंदा से उदयपुर वाले मार्ग पर जब चलते हैं तो विजय बावड़ी जो चौराहा है वहां से दाई और जो रोड जा रहा है राठौड़ों का गुड़ा गांव में, और उस गांव में हनुमान जी के मंदिर के पुजारी की जो है आज मौत हो गई है। एक खेत में सुबह 6 बजे उनका शव पड़ा हुआ मिला। उनके सीने को पूरा किसी जंगली जानवर ने खा लिया, साथ ही उनके एक हाथ को भी कोई खा चुका है। जैसे ही ग्रामीणों को सूचना मिली, लोग मौके पर एकत्र हुए और लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना की। गोगुंदा थाना अधिकारी चेतन सिंह नाथावत मौके पर पहुंचे, वहीं गोगुंदा के और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। साथ ही फॉरेस्ट के डीएफओ अजय चित्तोड़ा, एसीएफ परविंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। वहीं बड़गांव एसडीएम, बड़गांव तहसीलदार सहित बड़गांव के प्रशासनिक अधिकारी भी राठौड़ों का गुड़ा पहुंचे। अब बड़गांव के लोग क्यों पहुंचे? वो इसलिए पहुंचे क्योंकि यूं तो देखें तो राठौड़ों का गुड़ा गोगुंदा के समीप है, लेकिन ये बड़गांव ब्लॉक के मदार ग्राम पंचायत का गांव है, इसलिए मदार के उपसरपंच सहित बड़गांव के प्रशासनिक अधिकारी वहां पे पहुंचे हैं। घटना सुबह 3 बजे की बताई जा रही है। यहाँ पर विष्णु गिरी महाराज की जो है मौत हुई है। बताया जा रहा है कि विष्णु महाराज जो है वो हनुमान जी के मंदिर के पुजारी थे। यहाँ पर ये पहाड़ी के ऊपर जो है लगभग 9x9 का एक मंदिर था। इस मंदिर में ही महाराज रहते थे और कभी कभी इस मंदिर के बाहर यहाँ पर सो जाया करते थे। गत रात्रि को भी वो यहीं पर सोए थे, सुबह वो यहाँ पर सोते हुए नहीं मिले। इस मंदिर के पास में ही पानी की एक टंकी है जहाँ पर सुबह सुबह लोग पानी भरने के लिए आते हैं। सुबह जब पानी भरने के लिए लोग इस टंकी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जगह जगह पर खून के धब्बे बने हुए थे, खून बह रहा था, रक्त गीला था। तो इसलिए लोगों ने आशंका व्यक्त की कि यहाँ पे कोई न कोई दुर्घटना हुई है। ऐसे में लोगों ने मंदिर के पास जाकर देखा तो वहां महाराज नहीं थे। फिर जहां जहां पर वो खून के धब्बे नजर आए जमीन पर, वहां वहां पर लोग उन चीज का पीछा करते हुए गए तो आगे उनको पास ही में जो खेत है उसमें 100 मीटर दूरी पर इस खंभे, बिजली के खंभे के नीचे जो है उनको उसका शव मिला। लोगों ने बताया कि पहले जंगली जानवर ने उनको पकड़ा, दबोचा और फिर गांव की तरफ वो ढलान में लेके आए और फिर वापस में वो पैंथर उनको दबोचते हुए, घसीटते हुए जो है ऊपर की ओर ले गया और यहां से जो है खेत में नीचे की ओर पटक के खेत में जो ये मक्का की फसल खड़ी है, इस मक्का की फसल में तय होता हुआ वो उस बिजली के खंभे के नीचे तक ले गया और वहां पर उसके शव को खाया। लोगों को पता पड़ते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई, आसपास के सैकड़ों लोग यहां पहुंच गए। तो आप वीडियो में ये जगह हम बता रहे हैं आपको, ये मदार ग्राम पंचायत क्षेत्र का राठौड़ों का गुड़ा गांव है, बड़गांव थाना क्षेत्र का ये गांव है और पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये मंदिर है और इसी मंदिर के बाहर जो है पुजारी विष्णुपुरी जी सो रहे थे रात में और यहाँ पर जो है जंगली जानवर ने, अभी तक पता नहीं चला है, जानवर को किसी ने नहीं देखा है कि वो पैंथर है, भेड़िया है या कोई और, पर वो यहाँ से उसको दबोच के ले गया, वहाँ से सीधा नीचे डाला और यहाँ से होते हुए आप देख पा रहे हैं नीचे ब्लड के निशान है और यहाँ से होता हुआ एक बार उसने नीचे जाने की कोशिश करी और फिर खेत में होके ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहाँ ले जाके उसने शव को जो है सीना उसका पूरा खा गया था और एक हाथ खा गया था। यहाँ पे काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, गोगुंदा थाना अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, साथ ही यहाँ पर पिंजरा लगाकर जो है जंगली जानवर को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीएपी के विधायक प्रत्याशी रहे उदयलाल कटारा भी यहाँ पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। कल शाम को रात को लगभग 8 बजे ग्राम पंचायत धार में उपला बना दिया करके गांव है, वहाँ पर खेतों के थोड़ा गांव से थोड़ा दूर खेतों पे मकान है, वहाँ पर इन लोगों ने देखा और मैंने रात को 8 बजे वीडियो जारी करके मैंने ग्रुपों में शेयर किया, सबको सूचित किया कि भाई हमको किसी भी व्यक्ति को, बच्चे बड़े बुजुर्ग वगैरह किसी को खेतों पे अकेले में नहीं जाना है, सावधान रहें। हमारे स्थानीय पटवारी साहब को भी हमने सूचित किया। वो जगह यहाँ से कितनी दूर है जहाँ देखा गया? यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है। हम सरकार से सर मांग करते हैं जितने भी लोग हैं उनका सबका 50-50 लाख रुपए सरकार दे और नौकरी दे, वरना या फिर सर ये शासन प्रशासन जिम्मेदार रहे, जहां पर भी हो इस चीज को पकड़े, पैंथर है या भेड़िया है जो भी, तो
अभी तक इतने घटनाक्रम, ये छठा सातवां केस हो गया है, अभी तक सरकार प्रशासन इसको पकड़ने में नाकाम रही है। मंदिर के पास हमें विष्णुगिरी के भतीजे भी मिले, उनके छोटे भाई कालूगिरी के पुत्र है ये। ये बाल ब्रह्मचारी थे और ये मेरे बड़े पापा लगते हैं। और कल जब हम 8 बजे यहाँ से गए थे तब तो यहाँ सब नॉर्मल ही था, यहाँ बाहर भी कुछ नहीं था, शायद अंदर सो रहे होंगे। तो नाइट में बाहर आए और ये घटना हो गई। और हमको पता सुबह 6 बजे लगा था, यह ब्लड ब्लड पड़ा था। तो फिर हमने आके देखा मौके पे, तो उधर खेत में इनकी डॉटी बॉडी मिली। आज यहाँ पे ऐसा हुआ जैसे कि यहाँ से वो उसका पूरा महाराज का शरीर खा गया, एक हाथ खा गया। तो वो हम लोगों ने जैसे यहाँ से वो पुलिस वाले और वन विभाग वाले जैसे कि यहाँ से बॉडी वो गुंदा लेके गए। आप लोगों को कब पता चला और बॉडी कहाँ मिली थी? बॉडी यहाँ से लेके हुदा वो मक्की में गया, तो वहाँ पे इनके जो परिवार वाले थे, सुबह आके देखा महाराज था नहीं, तो सुबह परिवार वाले ने जाकर ढूंढा, जैसे कि खून के टप्पे पड़ रहे थे, यहाँ से उठा के फिर बाद में मक्की में गए। तो वहाँ जैसे गेट मंड रहा था तो वहाँ ले जाके फिर बाद में वहाँ पे देखा तो वहाँ पे पूरी बॉडी पड़ी थी। तो उनका पूरा यहाँ से इतना तक शरीर खा गया था और यहाँ से हाथ खा गया, बराबर। और अब आप लोग की क्या मांग है? आप लोग क्या अभी तो वो प्रशासन यहाँ आ रही है, तो फिर बाद में बात करते हैं क्या है क्या नहीं। तो साफ है कि मंदिर की इस चौखट पर यहाँ पर विष्णुगिरी सो रहे थे और यहाँ पर कथित पैंथर ने उनके ऊपर हमला किया। विभाग के आला अधिकारी परेशान हैं, किसी भी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं कि ये हमले पैंथर द्वारा किए जा रहे हैं या किसी और जानवर के द्वारा। विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है, अगर वो रिपोर्ट जल्दी आ जाती है। कौन सी रिपोर्ट? जो छाली, भेवड़िया, उमरिया वहां पे जो पहले मौतें हुई थी और उसके बाद में जो पैंथर पिंजरे कैद हुए थे उनका विस्टा और एफएसएल के लिए जो तथ्य भेजे गए हैं रिपोर्ट के लिए, तो देहरादून भेज रखे हैं सैंपल और बेंगलोर हैदराबाद में भेज रखे हैं। तो वहां से जो रिपोर्ट है वो बताया जा रहा है कि 1 महीने बाद में आएगी। अगर ये रिपोर्ट जल्दी आ जाती है तो कम से कम विभाग इस नतीजे पर तो पहुंच पाएगा कि आखिरकार ये हमले किस जानवर के द्वारा किए जा रहे हैं, या जो पकड़े गए पैंथर है क्या उन्होंने कोई शिकार पहले किए या नहीं किए। ये तमाम की जानकारी उस रिपोर्ट से मिल पाएगी। इस रिपोर्ट के बारे में कल हमने बात करी सांसद मन्नालाल रावत से, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। क्या स्थिति है? विगत दिनों से आदमखोर पैंथर की चर्चाएं और आसपास के गांव में काफी घटनाएं हुई हैं, उसको लेके काफ़ी चिंता का विषय है। सरकार में भी ये चिंता में आया है कि लोगों की सुरक्षा का ध्यान कैसे रखें और दूसरा पर्यावरण के जो विषय हैं उनको कैसे है। तो आज हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं और यहाँ के पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं उनके साथ बैठे हैं, चर्चा किया है। तो ये समझ में आता है कि अभी तक के प्रयास काफ़ी हुए हैं लेकिन अभी भी गाँव में खौफ है, डर है और लोगों में असंतोष है। इन विषयों को जब पूरा समझा तो ध्यान में आता है कि 2-3 विषयों पर तेज़ी से काम करना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। नंबर 1, पिंजरों की संख्या बढ़ानी है और दूसरा गांव में जो भ्रम फैला हुआ है कि ये सारा कैसे निराकरण होगा, ये पैंथर कैसे अटैक कर लेगा, ये सारी चीज़ें उसका भी निराकरण करना, थोड़ी सी और जागरूकता बढ़ानी है। ये बताया गया कि तकनीकी तौर पर यदि कहीं कोई घटना होती है तो वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं हो, ये विषय भी आया है, तो इसके लेकर भी एक जागरूकता का प्रश्न है। तो पंचायत राज विभाग के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे और लॉन्ग टर्म भी कि कैसे पैंथर यहाँ मूवमेंट करता है, उसका कैसे रेस्क्यू किया जाए, उसकी भी एक रचना पर बात हुई है। लेकिन ये भी समझ में आता है कि इतनी बड़ी संख्या में जब मूवमेंट हो रहा है तो लोगों की जागरूकता के साथ साथ में क्या इनके एक पूरा इकोसिस्टम है कि पैंथर को कहाँ से भोजन मिलेगा, वो चैन टूटा है पिछले दिनों से, तो यहाँ कैसे हिरणों की संख्या, सांबर की संख्या बढ़ाएं, कहीं और से लाकर यहाँ छोड़े जाए, इन सारे विषयों पर बात हुई है। कुछ विषय ऐसे हैं जो सरकार के लेवल पर लॉन्ग टर्म उसमें आने चाहिए, उसको लेकर भी चर्चा हुई, तो हम बात करेंगे, माननीय सीएम साहब से भी बात करेंगे, वन मंत्री जी से बात करेंगे, जरूरी हुआ तो हम केंद्र से भी बात करेंगे। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये जो शिकार कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, किस जानवर के द्वारा हो रहा है। 1-2 जगह पे पैंथर का हुआ है लेकिन पुरानी जो, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में तो इस तरह की रिसर्च रिपोर्ट रहती है, विशेषज्ञ रहते हैं, जो पुरानी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ देखते, तो क्या ऐसी टीमों को यहाँ पे बुलाने के प्रयास किए जा रहे हैं?
नहीं, हमने कहा है आज अखिल भारतीय लेवल पर जो एक इन पैंथर और इन विषयों को लेकर जो एक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सतीश शर्मा जी, वो भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी चर्चा हुई है कि कैसा मनोविज्ञान है, कैसे अटैक करता है और कैसे उन घटनाओं का एक साइंटिफिक तरीके से उसको देखना होता है, ये सारी बातें भी चर्चा में आई है। हाँ, अभी भी कुछ गैप है समाज में जो मनोविज्ञान है, गांव में जो मनोविज्ञान है जानवरों को लेकर और जो विशेषज्ञ कह रहे हैं उनके बीच में एक बड़ा गैप है। मुझे लगता है कि इस पर भी बहुत काम करना चाहिए, इसलिए हम एक वैन विशेष तौर पर घोषणा करें आसपास के गांव में, वो पंचायत राज विभाग के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाएं। एक जो ये रिपोर्ट जो अभी तक जो डेटा लिया गया है, विस्टा लिया गया है और जो चीज़ें भेजी गई है हैदराबाद और देहरादून जांच के लिए, उसमें एक महीने का समय, रिपोर्ट आने में एक महीने का समय लगना है। आपके द्वारा कोई विशेष प्रयास किए जा रहे हैं कि ये रिपोर्ट जल्दी आ जाए ताकि ये तो स्पष्ट हो कि इनके द्वारा हो रहा है ताकि आगे का अभियान जो चल सके? आपका प्रश्न काफ़ी कीमती है। ये व्यवस्था अभी तकनीकी तौर पर अभी समझते हैं, अधिकारियों से चर्चा अभी जारी है। ये विषय यदि शासन के लेवल पर नीतिगत है तो हम इसके लिए तेजी से प्रयास करेंगे। पिछले 11 दिनों में आदमखोर जानवर ने 6 लोगों के ऊपर हमले किए और 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आसपास के लोगों को सावचेत रहने की जरूरत है। राठौड़ों का गुड़ा के 10 किलोमीटर के रेडियस में ये पैंथर आज कल परसों में हमला कर सकता है। आज मैंने राठौड़ों का गुड़ा गांव में जाके देखा तो उससे पहले जो जालों का गुड़ा गांव है और राठौड़ों का गुड़ा के आगे भी जो लोग थे, कई बच्चे जो है नदी के पास में खेल रहे हैं, नालों के पास में खेल रहे हैं, कुछ लड़कियां खेतों में जो है अकेली पशु चरा रही है, उनके हाथ में कोई लकड़ी डंडा कुछ नहीं है। तो अगर आप राठौड़ों का गुड़ा गांव के 10 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं तो सावधान रहिए, अकेले मत निकलिए और अपने हाथ में डंडा जरूर लेके निकलिए अगर निकलना भी पड़े तो। और सावधानी रखिए, 10 दिन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। मान लीजिए कि इस बार अतिवृष्टि हो गई है और फसल खराब हो गई है, ये मान के ही आप घर में बैठे रहिए। अगर सुबह और शाम को आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस तरह की दुर्घटना आपके साथ में हो सकती है। सोचिए, अगर विष्णु महाराज घर के अंदर होते या मंदिर के अंदर होते तो क्या ये हमला होता? शायद नहीं होता। लेकिन वो पहाड़ी के ऊपर मंदिर के बाहर खुले में सो रहे थे, जबकि प्रशासन द्वारा बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से और कई तरीकों से जो है सूचना की जा रही है कि कोई भी खुले में ना रहे। तो सावचेत रहिए, बाकी वो जानवर आपके ऊपर भी हमला कर सकता है। मैं आपको इसका तथ्य देता हूं कि क्यों 10 किलोमीटर के रेडियस के लोगों को सावधान रहना है। आपको फिर से एक बार बता देता हूँ और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि 10 किलोमीटर के रेडियस के लोगों को सावधान होना है। पिछला रिकॉर्ड देखिए इस जानवर का, देखिए सिलसिलेवार हमें देखना पड़ेगा कि कितने कितने दिनों के गैप में और कितनी दूरी में जो है ये जानवर अटैक कर रहा है। आपको बता दें कि गोगुंदा से छाली की जो दूरी है ये लगभग 19 किलोमीटर है और छाली से अमला पानी जो है ले 4 किलोमीटर की दूरी है। तो कहने का मतलब है कि 23 किलोमीटर की दूरी पे पहली घटना जो है 18 सितंबर को हुई उंडीथल गांव के अमला पानी फले के अंदर, और दूसरी घटना उससे लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर 19 सितंबर को हुई भेवड़िया गांव में, और 20 सितंबर को तकरीबन 3 किलोमीटर दूर हुई उमरिया गांव में, उसके बाद 9 किलोमीटर दूर कुड़व गांव में हुई 23 सितंबर को, और उसके बाद जो है ये लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे गुजरों का गुड़ा में हुई थी, जो एक तरीके से कुड़व से देखे तो 5 या 6 किलोमीटर है दूरी, और छाली से देखे तो 14 किलोमीटर की दूर गुजरों का गुड़ा में 28 सितंबर को महिला के ऊपर अटैक किया था। और अब जो ये छठी वारदात हुई है, ये छठी घटना हुई है आज 30 सितंबर को, और ये कहां हुई है? गुजरों का गुड़ा से ये लगभग 4 या 5 किलोमीटर सीधी दूरी है, यहां पर हुई है। जहां भी पेंथर हमला कर रहा है उसके अगले दिन या अगले 3-4 दिनों में वो 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर कहीं 3 किलोमीटर में, कहीं 6 किलोमीटर में, कहीं 9 किलोमीटर, मतलब मैक्सिमम 10 किलोमीटर के दायरे में उसने हमले किए हैं। तो अब अगला हमला कहां होगा या नहीं होगा, मैं तो ये चाहता हूं कि पिंजरा यहां पर लगा दिया गया है और उस पिंजरे में वो कैद हो जाए और अगली कोई घटना हमें सुनने को ना मिले, और वन विभाग की टीमें जो है पूरी मुस्तैदी के साथ काम करके या तो वो उसको ढूंढे जंगल में और फायर कर दे उस पे, खत्म कर दे उसे, और या फिर वो पिंजरे में कैद हो जाए, ऐसी कामना करता हूं। लेकिन कामना करने से ही तो कुछ नहीं होने वाला है, सबको सावधान रहने की ही जरूरत है। हम चाहते हैं कि आगे इस पैंथर के हमले से या जंगली जानवर के हमले से किसी की मौत की खबर अब मैं नहीं चलाना चाहता।